हे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप रात में सोने के लिए जाते हो, जल्दी नहीं कई बार आप लेट भी जाते हो, बट स्टिल आपको नींद नहीं आती। आप ट्राई तो बहुत करते हो, बट आपका दिमाग एक के बाद एक बहुत सारी चीजें सोचने लगता है। आपका मन तो बहुत करता है कि आप सो जाओ, बट आपका दिमाग नहीं मानता। आप यहाँ से वहां करवट लेते हो, बहुत ट्राई करते हो, बट नींद नहीं आती है। ऐसा होता है ना? अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ यही हो रहा था। एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो गया था एक मूवी देखने की वजह से, बट मुझे सुबह जल्दी उठना था, सो मैं होप कर रहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाए। बट कई बार की तरह इस बार भी मेरा दिमाग रॉकेट स्पीड में उड़ने लगा। मैं अपने आने वाले बिजनेस, जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में सोचने लगा। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और कई सारी बातें सोचने लगा। और तभी सोचते सोचते मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, सच बहुत परेशान करती है, और आई एम श्योर ये बहुत लोगों को होती होगी। सो फिर मैं इस बारे में सोचने लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, और ये सोचने की वजह से मुझे जितनी नींद आ रही थी वो भी चले गई, लॉल। बट फिर कुछ देर बाद मैंने एक चीज करी जिसकी वजह से मुझे फाइनली नींद आ गई और मैं सो गया। अब ऑनेस्टली बोलू तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया था, लेकिन द पावर ऑफ नाउ, ये बुक की बातें सीखते सीखते मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने क्या करा था। जो चीज मैंने करी थी सोने के लिए, वो ये था कि मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल में लाया था और उसे शांत कर दिया था, और बस ये करने की वजह से ही मुझे नींद आ गई थी। अब देखो दोस्तों, मैं ये चीज करने में मास्टर बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए ही इस वीडियो में मैं आपको एज अ गुरु नहीं बल्कि एज अ दोस्त कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने इस बुक से सीखी है, जो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है अपने माइंड को शांत करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज बिग प्रॉब्लम। देखो, बस कुछ परसेंट लोगों को छोड़ के बात करें तो मैक्सिमम लोग, आप बोल सकते हो मोर देन 95% लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो मंकी माइंड होता है। एक बंदर कैसे यहाँ से वहाँ उछलता रहता है, वैसे ही हम सबका ब्रेन तो नहीं, बट ब्रेन के अंदर के आने वाले थॉट्स यहाँ से वहाँ हमेशा उछलते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, और ये चीज बीमारी जैसी होती है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो अगर आपका हाथ अचानक से अपने आप काम करने लग जाए, लोगों को थप्पड़ मारने लगे, किसी भी रैंडम लड़की का हाथ पकड़ ले, तो क्या होगा? पड़ेगी भाई, बहुत पड़ेगी। और ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप इससे पहले कि और कहीं मार पड़े, सीधा डॉक्टर के पास जाओगे, दिखाओगे कि हाथ में प्रॉब्लम है, इसे सही करो, राइट? वेल, मजाक एक साइड में, बिकॉज एक्चुअली ऐसी एक बीमारी होती भी है जिसे बोलते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। नाउ इससे रिलेटेड ही एकार्ट टॉली, जो इस बुक के ऑथर भी है, वो बोलते हैं कि आज हमारा जो ब्रेन है ना, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। और सबसे सैड बात यह है कि हम इसे नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग ही ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और ये सब इतना कॉमन हो गया है कि सब कुछ नॉर्मल लगता है, चंगा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये चंगा है नहीं। थिंकिंग कई बार एडिक्शन जैसा होता है, जो कई बार आप एक्सेप्ट तो कर लोगे कि हाँ मुझे है, लेकिन स्टिल ये एक्सेप्ट करने के बाद भी आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि आप कर सकते हो, बट आप नहीं कर पाते। सो फिर करना क्या है? वेल, सबसे पहले तो ये चीज समझनी है, द रियल रीजन बिहाइंड ओवर थिंकिंग। समझो आपको समोसे बहुत पसंद है, स्पेशली किसी एक रिलेटिव के घर के पास, जहाँ आप साल में एक बार तो जाते ही हो। नाउ इस बार भी आप वहाँ गए हो, आप हर कुछ घंटे में समोसे ऑर्डर दे रहे हो और उसे खा रहे हो, और फिर उसकी वजह से ही आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाती है, बहुत बुरी वाली। अब आप क्या करोगे? मतलब लूज मोशन को रोकने के लिए क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे, हाँ सही है, बट उससे भी पहले आप वो समोसा खाना बंद करोगे, राइट? बिकॉज उससे ही तो प्रॉब्लम हो रही है ना। सिमिलरली ये जो ओवर थिंकिंग और बाकी प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपको वो बंद करनी है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्या चीजें हैं जो आपको ये मेंटल लूज मोशन दे रही है। रीजन समझ लोगे और उस चीज को करना बंद कर दोगे, तो फिर दवा भी जल्दी फायदा करेगी। सिमिलरली ओवर थिंकिंग के लिए भी करना है। पहले मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, और फिर मैं 5 तरीके, 5 दवा बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने मेंटल लूज मोशन को रोक सकते हो। रीजन नंबर 1, फ्यूचर एंड ईगो। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पे किसी इंसान की जिंदगी देखते हैं, हम देखते हैं कि उसके पास क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, क्या बॉडी है, क्या लड़की है उसके पास, और ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों कुछ स्टुपिड लोग स्टुपिड वीडियोस बना के इतने हिट हो रहे हैं जबकि हम आगे नहीं बढ़ रहे, जिसके बाद हमारा ईगो हमें गुस्सा दिलाता है। मन ही मन हम बहुत सारी बुरी बातें सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें उन अनडिजर्विंग लोगों से हट के हमारे पास आए, और ये जो वॉन्ट होती है, ये कई बार हमारी लाइफ में एक होल क्रिएट कर देता है, होल, खालीपन, जो हम सोचते हैं कि अगर वो गाड़ी मिल जाएगी तो भर जाएगा, हम खुश रहेंगे लाइफ में। हमारा ईगो हमें कमांड करता है कि तू सोच कि तुझे इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, और फिर ये जो अनहेल्दी डिजायर्स ही होते हैं ना, वो कई बार लोगों को मेंटली बहुत प्रेशर में डाल देते हैं और ओवरथिंकिंग कराते हैं। अब इससे रिलेटेड मुझे कोड याद आ गया है, गौतम बुद्ध से जब एक इंसान ने क्वेश्चन करा कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि फर्स्ट उस स्टेटमेंट से रिमूव आई, बिकॉज आई यूजुअली ईगो होता है, फिर रिमूव वॉन्ट, वॉन्ट मतलब डिजायर्स,
और जब ये दोनों चीजें, मतलब ईगो और वांट, ये दोनों चीजें निकल जाएगी आपकी लाइफ से, तो आपके पास लाइफ में बचेगी सिर्फ हैप्पीनेस। अब इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि अच्छा इसका मतलब क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में डिजायर्स नहीं होने चाहिए या डिजायर्स हमेशा बुरे होते हैं? वेल नहीं, ऑथर बोलते हैं कि अपनी लाइफ को बेटर बनाने का डिजायर बुरा नहीं होता है अगर आप ये नेक्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझोगे तो। रीजन नंबर टू, आउटर पर्पस वर्सेस इनर पर्पस। आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है, जो आप चाहते हो कि पूरे हो जाए, यूजुअली ऑथर बोलते हैं कि वो आपके आउटर पर्पस होते हैं जो ऑब्वियसली फ्यूचर पे फोकस करता है। देखो, अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपको फ्यूचर में क्या क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, ये चीजें ही अगर आपका सारा अटेंशन ले रही है, जिससे आप फ्यूचर में क्या करोगे ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है उस चीज से कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो ये चीज आपके इनर पर्पस की जर्नी खराब कर देती है। देखो, इनर पर्पस को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो। मैटर करता है उसके लिए कि आप अभी जो भी कर रहे हो उसे कैसे कर रहे हो। मतलब अगर आपका फोकस अभी पे रहेगा, नाउ पे रहेगा, तो मैक्सिमम टाइम आप अपने इनर पर्पस को अचीव कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने इनर पर्पस को पूरा करना स्टार्ट कर दोगे तो ये चीज आपके आउटर पर्पस को भी बहुत अच्छे से पूरा करने लगेगा, वो भी बिना ओवरथिंकिंग करे। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि आप इनर पर्पस पे ज्यादा फोकस करो। याद रखो, आउटर पर्पस पूरे करने के लिए शायद आपको हजारों स्टेप्स लेने होंगे, जिसके बारे में आप जितना सोचोगे उतना आप परेशान हो सकते हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होगा। जबकि इनर पर्पस के लिए आपको हजारों नहीं बल्कि बस एक स्टेप लेना है जो आप इजीली ले सकते हो, वो भी बिना ज्यादा सोचे। क्या है वो स्टेप? वो स्टेप ये है कि आप अपना जो भी स्टेप लो अभी, जो आप अपने नाउ में कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो, उसी पे अपना पूरा फोकस और पूरा दिल लगाओ। ना अगर आप नोटिस करोगे तो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वहां से आप देख सकते हो कि कैसे हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना कई बार हमें प्रॉब्लम देता है। बट बात बस फ्यूचर की नहीं है, प्रॉब्लम पास्ट भी देता है। इनफैक्ट आपको पता है, हर दिन एक इंसान के दिमाग में अराउंड 70,000 थॉट्स आते हैं एक रिसर्च के हिसाब से, जिनमें से एवरेज 3 सेकंड के विंडो में ही हम प्रेजेंट में जीते हैं, जबकि बाकी सारा टाइम हम हमेशा फ्यूचर या फिर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। और यही चीज कई बार सारे फसाद की जड़ होती है। जबकि इसके अपोजिट वन ऑफ माय फेवरेट टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन अ डीपली रूटेड सोल विद द प्रेजेंट। मतलब वो लोग सबसे पावरफुल होते हैं जिनकी सोल और उसकी जड़ उनके प्रेजेंट से जुड़ी होती है। रीजन नंबर 3, पास्ट इज पेन। आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा जब गिर जाता है, उसके माँ बाप जब उसे अटेंशन देते हैं, भाग के उसके पास जाते हैं कि बेटा क्या हो गया क्या हो गया, तो बच्चा यूजुअली रोने लग जाता है जोर जोर से। वहीं दूसरी तरफ अगर वो बच्चा गिर जाता है बट पेरेंट्स उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो वो क्या करता है, वो इधर उधर देखता है, थोड़ी देर में खड़ा हो जाता है और वापस अपने इंपॉर्टेंट कामों में बिजी हो जाता है, मतलब खेलने में। वेल देखो, कई लोगों के साथ पास्ट में कई बुरी चीजें होती है और बुरी चीजों से डील करने के लिए लोग 3 अलग अलग चीजें करते हैं। फर्स्ट, सबसे बेकार, कुछ लोग उसे बार बार अटेंशन देते हैं, उस पास्ट एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में रिप्ले करते हैं किसी यूट्यूब के वीडियो की तरह, और हमेशा बुरा फील करते रहते हैं अपने ऊपर तरस खाते हैं, जो चीज उन्हें बहुत तकलीफ देती है, बिकॉज दिमाग को कई बार रियल और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस समझ नहीं आता है। एग्जाम्पल, एक बार एक बास्केटबॉल टीम को जब बोला गया था कि तुम बस अपनी इमेजिनेशन में रोज प्रैक्टिस करो और रियल में प्रैक्टिस मत करो, तो उन्होंने उस टीम से बेटर परफॉर्म करा जो टीम घर पे बैठी हुई थी और प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रही थी, ना इमेजिनेशन में ना रियल में। इससे मतलब ये निकलता है कि जब भी आप पुरानी चीजों को अपने दिमाग में प्ले करते हो तो कई बार वो एकदम रियल जैसा पेन आपको दे सकती है, इसलिए ये करने से अपने आप को रोको। और सेकंड तरीका, अब कई लोग होते हैं जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को फोर्सफुली खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये भी सही नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बैकवर्ड लॉ, जो साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वो बताता है कि हम कई बार जितना नेगेटिव फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं उतना वो और स्ट्रांग होते जाता है। मतलब ये चीज भी सही नहीं है। तो फिर सही क्या है, आपको करना क्या चाहिए? तो जो चीज आपको करनी चाहिए, जो बहुत कम लोग करते हैं, थर्ड ऑप्शन, वो है सरेंडर एंड एक्सेप्ट। आपको क्या करना चाहिए कि जो भी चीजें आपके साथ हुई है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे मानना चाहिए कि हाँ आपके साथ ये बुरी चीजें हुई है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपको ग्रो करा। और ये सब भी नहीं तो भी उसे एक्सेप्ट करो और उस पर ज्यादा फोकस किए बिना आगे बढ़ो। अब ये थे वो 3 रीजन जो यूजुअली ओवरथिंकिंग कराते हैं, जिसे आपको बंद करना चाहिए। इसके बाद चलो अब देखते हैं कुछ दवाइयाँ जो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। 5 चीजें जो आपको प्रेजेंट में रहने में और ओवरथिंकिंग कम करने में हेल्प करेगी, वो है फर्स्ट, ट्राइंग न्यू थिंग्स। आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आप कोई नया काम करते हो, कुछ नया करते हो, तो वो करते वक्त आपका जो फोकस रहता है वो पूरा का पूरा उस काम को करने में लगता है और बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होते हो, और ये चीज आपको प्रेजेंट में रहने में बहुत हेल्प करती है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट में रहना ही सबसे पावरफुल चीज होती है ओवरथिंकिंग खत्म करने के लिए। इनफैक्ट इसके ऊपर एक कोड भी है कि
बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट यू कैन गिव योरसेल्फ। तो वाई नंबर टू, से इट लाउड। हमेशा बस अपने दिमाग में ही ओवरथिंकिंग करने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप किसी इंसान से बात करो, बिकॉज कई बार हम अपने दिमाग में बिरयानी बना रहे होते हैं, जबकि थॉट शेयर करने से हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो बिरयानी नहीं बल्कि वो खिचड़ी है, जो बात सिंपल है और इतने सोचने लायक बिल्कुल नहीं है। थर्ड, राइट योर थॉट्स। नाउ अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, तो अपने थॉट्स को आप लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज भी आपको काफी हेल्प कर सकता है ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने के लिए। जैसे गेटिंग थिंग्स डन के ऑथर भी बोलते हैं कि जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है उसे बस अपने दिमाग में छोड़ देने के बजाय उसे लिख के रख लो, ये चीज आपको ओवरथिंकिंग करने से बचाएगी। फोर्थ, फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। कई बार हम दूसरों की वजह से चीजें ज्यादा सोचते हैं, किसी इंसान की बात बुरी लग गई है, कोई इंसान ने हमारे साथ बुरा कर दिया है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, बदला लेने का सोचते हैं और कई नेगेटिव फीलिंग्स आती है, और कई बार हम अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं कि हमने ये चीजें क्यों करी, जो चीजें हमारा सुकून हमसे ले लेती है। इसीलिए सोने से पहले अपने आप को और दूसरों को माफ करके सो, ये चीज आपको सुकून देगी। लास्ट, मेडिसिन नंबर 5 इज मेडिटेशन। 5000 प्रॉब्लम्स और उसका वन सोल्यूशन मेडिटेशन है, ऐसा बोला जाता है, और सच में ये बात बहुत हद तक सच भी है। मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है अपने आप को काम करने के लिए, आपके मंकी माइंड को आपके कंट्रोल में लाने के लिए, आपकी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए, इसलिए आप उसे भी करना स्टार्ट करो। बस ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले इस बुक से बताई है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है। इस बुक की बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कई बार आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। सो अगर आप हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में बिलीव करते हो या उसमें इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बोली है, अगर आपको एक भी बात सही लगी है तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। शेयर करें इस वीडियो को सभी ओवर थिंकर्स के साथ जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। कि अगर आप ऐसे ही बुक्स की अमेजिंग नॉलेज सीखते रहना चाहते हो, वो भी बिना बुक्स को पढ़े, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं ऐसे ही बुक्स हमारी हर हफ्ते डालता हूँ अपने इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।